ये है आई वेब मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज कटिहार। सवाल आपके, जवाब उम्मीदवारों से लेकर हम हाजिर हैं। अभी सबसे ज्यादा सवाल व्हाट्सएप के जरिए जो हमारे पास आया है वो कटिहार के सांसद श्री तारिक अनवर को लेकर आया है। हम सीधे आपके सवालों को लेकर सांसद तारिक अनवर जी के पास पहुंचे हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब तारिक अनवर जी से लेते हैं जो सवाल आपने हमें व्हाट्सएप पे भेजे थे। तारिक अनवर साहब जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल ये है सर कि 5 साल का आपने 14 से लेकर 19 तक कटिहार में क्या काम किया है? देखिए, उसकी एक लंबी सूची है और वो हमारे वेबसाइट पर भी है और उसकी एक हमने स्मॉल फॉर्म में एक बुकलेट भी छपाया जिसमें 5 साल में जो हमारे द्वारा या एमपी लैड के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क पुल और इस तरह के बिजली इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन सब क्षेत्र में कुछ ना कुछ हमने काम किया है, उन सब का जिक्र उसमें विस्तार से है। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी भी उसको कह सकता हूँ, सब चीज़ का जिक्र करने में बहुत वक्त लगेगा। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि कटिहार में जाम, जल जमाव, इसकी समस्या बहुत दिनों से है, तो उसके लिए अब तक आपने क्या किया है और आगे अगर आप जीतते हैं तो क्या प्लान है इसको लेकर, क्योंकि एक बड़ी समस्या है। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2014 में जीतने के बाद और फिर 2015 में जो सरकारें बनी वो विपक्ष की भूमिका के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार है, उनकी केंद्र में भी है और राज्य में भी है, और इस वजह से एक विपक्ष के सांसद होने की हैसियत से जो भी हम लोग कर सकते हैं इस क्षेत्र की जो भी समस्या उसकी आवाज़ को उठाने का काम हम लोगों ने किया, सड़क से सदन तक उसमें कोई कमी हमने नहीं रखी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो मेरी इच्छा थी या लोगों की जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ऐसा मुझे महसूस होता है कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी एक बदले की भावना से काम कर रही है, ख़ासतौर पर कटिहार के मतदाताओं के ख़िलाफ़, क्योंकि 2014 में जब सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही थी तो उस समय कटिहार के लोगों ने मुझे यहाँ से कामयाब बनाया और शायद इसी बात का मलाल भारतीय जनता पार्टी को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, इसलिए बहुत सारी योजनाओं को मुझे लगता है कि जानबूझकर उसमें विलम्ब किया गया या उसको ठंडे बस्ते में डाला गया। सर, मेरा अगला सवाल ये है जो लोगों ने पूछा है, एक सिंगलपुर गांव है जो सनोली स्टेशन के बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बीचों बीच ट्रैक है, वहाँ पर एम्बुलेंस या और कोई भी जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको वहाँ पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, तो इसके लिए आपने कुछ प्लान किया है? नहीं, मेरा ख्याल है आपकी सूचना सही नहीं है। 10 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर ज़रूर लगाना पड़ता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक हर उसकी एक दूरी रेलवे के द्वारा निश्चित की गई है कि इतनी दूरी पर ही जो क्रॉसिंग है रेलवे क्रॉसिंग बनाया जा सकता है। सिंगलपुर में जो लोग रहते हैं उनका खेत वो दूसरी तरफ है और वो उनका रेसिडेंस इस तरफ है, तो इसलिए वो लोग हमेशा इस बात की मांग करते रहे हैं कि वहाँ पर एक रेलवे फाटक बनाया जाए और यातायात की व्यवस्था की जाए, लेकिन हमने कई बार उसके लिए कोशिश की और रेलवे ने ये कहकर उसको मानने से इनकार कर दिया कि सोनौली से सिंगलपुर की जो दूरी है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि एक अलग से वहाँ फाटक बनाया जाए, रेलवे क्रॉसिंग बनाया जाए। सर, गौशाला फाटक पर ओवरब्रिज बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपने अब तक क्या किया या फिर आप अगर आगे आते हैं सांसद बनकर तो क्या करेंगे, क्या रोड मैप है उसका? देखिए, गौशाला ओवरब्रिज जो है
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि मनिहारी और कटिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित होता है। और जो गंगा के उस पार से यानी साहेबगंज से जो लोग आते हैं या ट्रांसपोर्ट आता है उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसको क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी बेसिस पर उस काम को अपने हाथ में लिया और लगातार केंद्र सरकार को, नेशनल हाईवे को, रेलवे को, क्योंकि रेलवे ट्रैक वहाँ पर आता है, तो हम लोगों ने इसके लिए बहुत कोशिश की। तो रेलवे ने जो मुझे सूचना दी या जानकारी दी उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि जो ओवर ब्रिज है वो बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे को दी गई है और इसलिए रेलवे ने अपने आप को उससे एक तरह से दरकिनार कर लिया। और उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने जो इसमें राशि लगनी है वो सब कुछ हमने उसको नेशनल हाईवे को दे दिया। नेशनल हाईवे की ओर से भी ये कहा गया कि हम लोगों ने इसमें प्रक्रिया शुरू की है। 6 ऐसे ओवरब्रिज सेंक्शन हुए हैं नेशनल हाईवे के द्वारा, उसमें से 2 में हाथ लग चुका है, एक मनिया के पास और एक लाभा के पास, तो 2 में तो हाथ लग चुका है लेकिन 4 अभी भी वो लंबित हैं और यूँ कहा जाए कि अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी आगे भी और हमारा प्रयास रहेगा। इस सिलसिले में हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से भी हम बात कर चुके हैं और जो गडकरी साहब इसके मंत्री हैं उनको भी कई बार मैंने लिखित रूप में भी इस को दिया है, लेकिन अभी तक सही मानो में जब तक वो ज़मीन पर न उतर आए तब तक कुछ कहना मुश्किल है। मनिहारी साहेबगंज पुल का क्या स्टेटस है, उसको लेकर आप कितने सजग हैं और कब तक ये पुल बन जाएगा, वो आपके एजेंडा में है या नहीं है, तो है तो कितना है? देखिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, करीब 20 साल से ये मांग आ रही थी कि साहेबगंज और मनिहारी के बीच में गंगा नदी पर एक पुल का निर्माण हो। हम लोगों ने उसके लिए लगातार प्रयास किया और एक वक्त ऐसा आया कि केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार किया और उसका शिलान्यास भी हुआ। उसकी आधारशिला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1917 में रखा और उन्होंने वादा किया था कि ये अपने निश्चित समय पर ये काम पूरा होगा। लेकिन जो हम लोगों ने उसकी जानकारी ली कि उसमें काफ़ी उदासीनता है और अभी तक जो यूँ कहा जाए कि उसको एक प्रारूप देने में केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल है। हम लोगों ने इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया था और लिखित रूप में कई बार प्रधानमंत्री को भी हमने लिखा था कि आपके द्वारा इसमें आधारशिला रखा गया, लेकिन अभी तक जिस गति से उसमें काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सर, मनिहारी गंगा घाट पर इलेक्ट्रिकल सौदा गृह का भी शायद प्रावधान है और होना भी चाहिए क्योंकि प्रसिद्ध घाट है, उसको लेकर क्या है आपके प्लान? मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रिक नहीं समझ में आया मुझे, क्या आपने सवाल? वो बॉडी जलाने के लिए इलेक्ट्रिकल जो होता है वो सौदागरी, वो तो वो होना चाहिए और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी भी है। और जो गंगा घाट है बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर डेड बॉडी का क्रियाक्रम होता है। हमारी कोशिश उसमें भी रहेगी आगे चलकर कि एक इलेक्ट्रिक जो सौदागरी, हाँ सौदागरी, सौदागरी जी जो होना चाहिए उसको कोशिश करें कि हम कि वो आगे आने वाले दिनों में हो जाए तो कि जो लोगों को वो सुविधा प्राप्त हो सके। एक और सवाल है सर मनिहारी से ही, मनिहारी के वार्ड नंबर 2 और 3 में एक कब्रिस्तान और ईदगाह भी है जिसकी घेराबंदी के लिए वहाँ के चेयरमैन ने आपको कई बार पत्राचार भी किया है लेकिन वो अभी तक घेराबंदी उसकी नहीं हुई है, क्या वजह रही सर? देखिए वो कब्रिस्तान का यहाँ से सवाल है घेराबंदी का, वो बिहार सरकार की एक स्कीम के तहत होता है और बिहार सरकार ने एक सूची बना रखी है
प्रायोरिटी सूची, उसमें सिलसिलावार जो पहले जिनका नाम है जिन कब्रिस्तानों का, वहाँ घेराबंदी पहले होती है, क्योंकि एक उसमें जो राशि आती है वो सीमित आती है। तो पूरे ज़िले के अंदर ये समस्या है, काफ़ी हद तक उसका समाधान हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनकी चारदीवारी नहीं बनी है। तो हमने इस बारे में जानकारी ली, तो जो यहाँ वेलफेयर विभाग है ज़िला का, उसने भी बताया, इस बात की जानकारी दी कि ये प्रायोरिटी बेसिस पर हम उसको लेते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास पहले सूची आ चुकी है या जो हमने एक सीरियल वाइज जो सूची बनाई है उसी के तहत हम उसको लेंगे। सर, आपने एक पंचायत निमौल पंचायत को गोद लिया था, उसका क्या स्टेटस है अभी, क्या हुआ वहाँ? सर देखिए, वहाँ कुछ काम ज़रूर हुआ, हमने कोशिश ज़रूर की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी सांसदों से अपील किया कि उनको कम से कम दो पंचायत, दो ग्राम को गोद लेना चाहिए। तो पहले एक हमने लिया, और हमने इसलिए लिया कि निमौल में ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना और जो जन सुविधाओं की चीज़ें हैं वो नहीं थी। तो हमने सोचा कि इसी बहाने हम वहाँ से कुछ काम कर पाएंगे। तो कुछ तो काम हुआ, प्रधानमंत्री सड़क वहाँ बनी है, बिजली भी पहुँच चुकी है, और भी क्षेत्र में बैंक, वहाँ बैंक की शाखा खुली है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और मैं ही क्या, हमको लगता है कि पूरे देश के ज़्यादातर सांसद जो उनके द्वारा गोद लिया गया ग्राम है उसके विकास को लेकर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि केंद्र सरकार, जब प्रधानमंत्री ने इसको ऐलान किया है या प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है, तो उसके लिए अलग से हम लोगों को राशि दी जाएगी ताकि उस ग्राम को हम आदर्श ग्राम बनाने में सफल हो सके। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सिर्फ वो कागजी घोड़ा दौड़ाया गया उसमें, और ज़्यादातर सांसद जो हमारे मित्र हैं अलग अलग पार्टियों में, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पैसा ही नहीं है, राशि ही नहीं दी गई हम लोगों को, सिर्फ कहा गया कि गोद ले लो। तो गोद लेने के बाद सरकार को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, वो सरकार ने नहीं कराया। हम लोगों ने अपने स्तर से जो बन पड़ा वो हमने कोशिश की, और इसीलिए दूसरा ग्राम हमने गोद नहीं लिया। दो ग्राम लेना था तो हमने एक ही लिया, और हमने देखा कि सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से कोई इसमें आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, इसलिए लेकर बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं। सर, मैं हम लोगों का आखिरी सवाल, कटिहार बस स्टैंड जहां शिफ्ट किया गया है वहां चालू नहीं किया गया है, कचरा जमा है वहां पर, उसको लेकर फ्यूचर में क्या प्लान है अगर आप सांसद फिर चुने जाते हैं तो? देखिए, हमारी कोशिश तो थी कि वहां पर उस इलाके में बस स्टैंड जाएगा, क्योंकि यहां का जो बस स्टैंड पहला पुराना बस स्टैंड था वो बहुत छोटा था और बहुत शहर के बीच में था, और जिसकी घनी आबादी होने की वजह से बसों का आना जाना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए उसको वहाँ शिफ्ट किया गया था। लेकिन शिफ्ट करने के बाद सबसे बड़ी बात जो वहाँ रुकावट है वो जो गौशाला के ऊपर जो ओवर ब्रिज नहीं बना, एक मुख्य कारण वही रहा कि वो अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हो पाई, और सिर्फ बिल्डिंग बन के वहाँ पर तो रखी हुई है, और ये बात भी सही कि काफ़ी वहाँ गंदगी है तो वहाँ लोग जाना नहीं चाहते। ये थे कटिहार के सांसद तारिक अनवर, जो जो आपने सवाल भेजा था उसको लेकर हम सीधे इनसे बात किए। अगर आपके पास कोई भी सवाल किसी भी प्रत्याशी को लेकर है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, उन सभी सवालों का जवाब हम आपके उन उम्मीदवार से लेंगे जो चुनाव में इस बार खड़े हैं। अपने सहयोगी इमरान और रतन के साथ विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज़, कटिहार।